नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोगों की स्वागत करने मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 21 से लेके 27 अगस्त तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं। जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ हो सकता है ये आपके साथ मैच कर जाए और जो आपके लिए बोल रही हूँ उनके साथ मैच करे। तो आप एनर्जी के साथ जाइएगा, आपको पता है कौन सा एनर्जी आपकी होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पास आना चाहते हैं, अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है, ये रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान हो सकता है सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर ये आपसे दूर रहता है तो वहाँ से आने का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है ये आपके पास नहीं रहता, मतलब आप लोग आमने सामने बहुत क्लोज नहीं रहते हो, बहुत ये दूसरे कंट्री में रहता है या फिर कहीं दूर रहता है जॉब के सिलसिले में, तो ये इंसान वहाँ से आने का इंतज़ार कर रहे हैं कब ये आपके पास आएंगे और आपसे प्यार के बारे में बातें करेंगे और प्यार को लेके एक डिसीजन ये लेना चाहते हैं। यही इनकी करेंट फीलिंग्स है। हो सकता है बहुत दिनों से आप लोगों में डिसीजन पेंडिंग है तो रिश्ते को लेके, तो वही डिसीजन ये लेना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो आ भी ना पाए तो टेक्स्ट कॉल मतलब डिजिटल माध्यम से आपसे वो बात करना चाहते हैं और आपको अपना डिसीजन बताना चाहते हैं। ये आपके साथ चाहे आप शादीशुदा हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कुछ भी हो, कुछ भी अगर आप कोई भी रिलेशन में हो जो लव से रिलेटेड है, मतलब शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, और आपको पता ही है लव के बारे में जो जो रिलेशन होते हैं, तो ये आपके लिए होगी ये रीडिंग। अभी देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स आप भी नई शुरुआत चाहते हो रिश्ते में, आप दोस्ती चाहते हो, एम्यूजमेंट चाहते हो, घूमना फिरना, मस्ती करना, लेकिन कभी कभी आप दुखी हो जाते हो, आप दूर रहते हो, हो सकता है इनसे जैसा मैंने कहा कार्ड के अनुसार, इसीलिए आप थोड़ा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। आप पूरा दिन जैसे तैसे कट जाता है लेकिन रात जब होता है तब आपका दुख बढ़ जाता है, आप सो नहीं पाते हो, सोने की वक्त आपको सब कुछ याद आता है, आप परेशान रहते हो, इसीलिए आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। आप ज़्यादातर वक्त दोस्तों के साथ बिताना चाहते हो, आप भी रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो रिश्ते में, आपको भी प्यार चाहिए, रिश्ते में कुछ नयापन चाहिए, लेकिन हो सकता है आपको ये सब नहीं मिल रहा है, इसीलिए कभी कभी आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और तब खुद को दोस्तों के साथ बिजी रखने की कोशिश आप करते हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ कप्स,
वर्ल्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। सबसे पहले इनको लगता है कि जब ये रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा तब इस रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, इसीलिए ये अपने आप से ये वादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जब तक मैं स्टेबल ना बन जाऊँ तब तक मैं कुछ स्टेप लेने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा क्या मैं इस रिश्ते को चलाने के लिए काबिल हूँ। तो ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, खुद को इतना स्टेबल बनाना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिश्ते को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। फिलहाल इसीलिए ये इंसान अपना जो इमोशन है उसको थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। पहले भी कप्स का कार्ड आया था, ये आपके पास प्यार लेके आना चाहते हैं, करेंटली आपसे कितना प्यार करते हैं ये बताना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं तब भी ये सब कुछ बताए, जैसा देख रहे हो आप इंतज़ार कर रहा है इंसान, ये तभी सब कुछ बताना चाहेंगे जब तक उनको लगेगा कि ये फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, फिनेंशियली उनको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, रिश्ते में स्टेबिलिटी है, तभी ये रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी इनके पास जो नॉलेज है इन्होंने सारा चीज़ समझ लिया है, देख लिया है, ये कोई इमैच्योर पर्सन नहीं है, इनके पास नॉलेज है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए ये अभी अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ओवरफ्लो नहीं होने दे रहे हैं। जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि ये रिश्ता चलाने के लिए ये पूरी तरह से स्टेबल है तब तक ये आपको कुछ नहीं कहेगा। ये इंसान इंतज़ार करना चाहते हैं और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। द फूल के कार्ड, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी रिश्ते में, और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो आप, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो आप, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो आप, चाहते हो आपके रिश्ते में क्लैरिटी आए, जो आपको चाहिए वो मिले, जो आप जानना चाहते थे वो आप जान जाओ, जिस बात को लेके आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन में थे वो क्लैरिटी आपको मिल जाए, और आप जीरो से शुरू करो। इस बार आप किसी की रोक टोक नहीं सुनोगे, आपको ये चाहिए कि आप जो चाहे वो कर सको, आपको पता है कि आप जो भी करोगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, लेकिन फिर भी आप किसी की रोक टोक के बिना आगे जाना चाहते हो। आप एक इनोसेंट बच्चे की तरह अपनी लाइफ को चलाना चाहते हो, जैसे अल्हड़पन, मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, किसी की रोक टोक, चिक चिक, आप कुछ नहीं चाहते हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट, सर दर्द, कुछ नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि पूरी क्लैरिटी के साथ रिश्ता चले। हो सकता है पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, हो सकता है आपने पहले परेशानी देखी थी, लेकिन अभी आप वो सारा चीज़ कुछ नहीं चाहते हो जो पहले आपने झेली होगी। अभी आप क्लियर माइंड से एकदम शून्य से, जिसे बोलते हैं कि शुरू से शुरू करना, आप शुरू से शुरू करना चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, आप हर चीज़ को करके देखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो इसके आगे क्या है, अगर मैं ये करूँ तो क्या है, वो करूँ तो क्या है, जैसे कि एक क्यूरियस मेंटलिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो रिश्ते में। क्लियर मेंटलिटी, क्यूरियस मेंटलिटी आपका रहेगा हमेशा, आप कुछ ना कुछ नया करने के लिए चाहते हो कि आप जो भी करो उसमें किसी का कोई दखल अंदाजी ना हो। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आएगा इन दिनों 21 से लेके 27 तारीख तक। जजमेंट, रिकॉन्सिलेशन, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वंड्स, इन दिनों इस रिश्ते का आउटकम यही होगा, आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर आप लोगों का रिश्ता थोड़ा गड़बड़ा रहा था, परेशानी में था,
बात नहीं चल रहा था, कुछ भी परेशानी था, हो सकता है आप लोग एक साथ हो लेकिन अच्छी तरह से बात नहीं हो रहा था, तो आप दोनों ही अभी अपने अपने बारे में सोचने लग जाओगे और उसके बाद आप लोगों में ये मैच्योरिटी आ ही जाएगा कि पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, पहले नॉलेज का स्टेबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि हाई प्रेस्टिज के कार्ड आया है, आप दोनों ही खुद को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बना लोगे, आप लोग इंट्यूटिवली एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसको गेस कर पाओगे। इन दिनों आपको बोलना नहीं पड़ेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, सामने वाला क्या बोलना चाहता है, आप दोनों ही एक दूसरे की मन की बातें पढ़ लोगे और आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन होने की भी चांसेस है, क्योंकि आप लोग जो हो इन दिनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव हो जाओगे। अच्छा बुरा सब कुछ आपको पता चलेगा। कोई अगर आपको आके ये अड़ोस पड़ोस के या कोई दूसरे दोस्त वगैरह कोई अगर आके आपको कुछ बोल भी दे कि ये इंसान ऐसा है, या फिर उनको बोल दे कि वो ऐसा है, आप किसी की बात नहीं मानोगे। आप दोनों साइलेंटली अपने काम को करते रहोगे। आपको पता है कौन कैसा है, क्या बोलना चाहते हैं, किसकी मोटिव क्या है, क्योंकि अभी इन दिनों आप लोगों में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी और इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। दोनों ही एक दूसरे को बिना बोले एक दूसरे की दिल की बात आप लोग समझ जाओगे और हो सकता है इसी कारण आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन भी हो जाए और आप लोग अपने अपने स्टेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा महत्व दोगे इन दिनों। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आया है, पॉजिटिविटी का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड, आप लोगों का रिश्ता पॉजिटिव लेवल पे जा रहा है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, जो लोग शादीशुदा नहीं है शादी करना चाहते हो, जो पहले से ही शादीशुदा है वो घर परिवार बच्चे चाहते हैं, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा और थोड़ी वक्त लेके जल्दबाजी से कुछ नहीं कीजिएगा। स्टेबिलिटी आपको पाना ही है, रिश्ता घर परिवार बच्चे सब पाना है, रिश्ते में सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। हो सकता है कभी आके लास्ट मोमेंट पे आके कुछ ऐसा हो जाए जिसका आपको उम्मीद भी नहीं था, कुछ अच्छा कुछ, इसीलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना। स्टेबिलिटी की ध्यान रखना, पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, रिश्ते में समझदारी होनी चाहिए, फिर आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।